Hey guys, my name is Abhijay Bhatti and welcome back to the channel. दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम लोग लॉन्ग एक्सपोजर यानी कि लाइट पेंटिंग फोटोग्राफी करेंगे, वो भी अपने मोबाइल फोन से। तो गाइस अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे इस टाइप की फोटोज आपने कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम पे या फिर गूगल पे या फिर कोई भी जगह पे देखी होंगी, एंड आप भी सोचते होंगे कि इस टाइप की फोटोज आपकी भी आए। तो गाइस टेंशन मत लो, आज के इस एपिसोड में हम लोग बताएंगे कि मोबाइल फोन से कैसे इस टाइप की फोटोज क्लिक की जाती है, एंड मैं कैमरा सेटिंग्स बताऊंगा, लाइट पेंटिंग बताऊंगा। तो लाइट मैं कहाँ से लाया, घर से ही जुगाड़ किए वैसे तो ये सारी चीज़ें भी बताऊंगा क्योंकि आपको भी पता चले एंड मोबाइल फ़ोन से आप भी फोटोग्राफी इस टाइप की कर सको। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है, बहुत कुछ सीखने को और जानने को मिलेगा। तो विदाउट एनी वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस अभी हमारे पास ये मोबाइल फ़ोन है, MI का Redmi 9 Power। ये इस फ़ोन की कीमत शायद से 10,000 होंगी मार्केट में, और आप कोई भी सस्ता वाला या फिर कोई भी मोबाइल फ़ोन यूज़ कर सकते हो। तो अभी मैं आपको कुछ कैमरा सेटिंग्स बता देता हूँ। तो यहाँ पे गाइस ये कैमरा है, और गाइस यहाँ पे हमें प्रो मोड में चले जाना है। आपके कोई भी मोबाइल फ़ोन में प्रो मोड होगा ही। अब यहाँ पे हमें सेटिंग्स करनी है। तो गाइस यहाँ पर ये है फोकस, इसको हमें पूरा वाइड कर देना है, तो पूरा यहाँ पर फोकस मिल जाएगा हमें। अब यह शटर स्पीड हमें कोई भी रखनी है। पहले अभी मैं 4 से 5 सेकेंड रखता हूँ, एक बार ट्राई करूँगा 4 से 5 सेकेंड का। अब यहाँ पे ISO में 100 रखता हूँ, मिनिमम 100 है, इसलिए अगर इससे भी कम होता तो मैं इससे भी कम यूज़ कर सकता था। तो गाइस अभी ये हमारे पास DIY लाइट है, ये घर पे बनाई है। अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ और लाइट पेंटिंग करना स्टार्ट करता हूँ। तो ये है हमारे मॉडल जिसको हमने रखा है, इधर खड़ा करेंगे और फोटो खींचेंगे। चलो लेट्स गो। चलो यहाँ पे खड़े हो जाओ, अभी वहाँ से क्लिक करना है फोटो। चलो बाजू बस बंद कर। शटर स्पीड मैंने 4 सेकंड रखी थी लेकिन अच्छी फोटो नहीं आई क्योंकि मैं 4 सेकंड के अंदर कुछ अच्छे से ड्रॉ ही नहीं कर पाया। गाइस ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी देर में ड्रॉ कर लेते हो। पहले 4 सेकंड रखो, फिर 6 रखो, फिर 10 रखो। अगर फोटो बढ़िया आ जाती है तो आप वही शटर स्पीड सारे फोटोज में रख सकते हो, क्योंकि गाइस आपको जो पीछे पेंट करना है वो पेंट करने के साथ साथ आपको मॉडल के फेस पे लाइट भी मारनी है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पहले फटाफट से ड्रॉ कर लेना है पीछे, फिर फेस पे एक और बार लाइट मारनी है जिससे मॉडल क्लियर आ जाए फोटो के अंदर। तो अभी मैं यहाँ पर कुछ अलग ट्राई करने जा रहा हूँ, चल क्लिक कर। डन। दोस्तों इस वीडियो को शूट करने के लिए हमने लगातार 3 दिन लाइट पेंटिंग फोटोग्राफी करी है एंड काफ़ी सारी गलतियां करी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में क्योंकि आप हमारी जैसी गलती ना कर पाओ। सो अभी मैं आपको कुछ फोटोज़ दिखा देता हूं, अभी अभी जो हमने क्लिक किए वो। दोस्तों मोबाइल लाइट पेंटिंग फोटोग्राफी की मैं आपको कुछ बेसिक नॉलेज शेयर कर देता हूँ। तो गाइस मोबाइल फ़ोन में जो प्रो मोड होता है ना, उस प्रो मोड में वाइट बैलेंस, फोकस, शटर स्पीड और ISO, ये 4 चीज़ें ही मेन होती है। अब बाकी की चीज़ें आप ज़्यादातर यूज़ करोगे नहीं। वाइट बैलेंस तो आपको ऑटो ही रखना है क्योंकि आप नाइट में फोटोग्राफी कर रहे हो। आपकी मर्जी है गाइस, आप चेंज भी कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप की फोटोग्राफी करनी है। तो वाइट बैलेंस को साइड पे रखो। अभी आते हैं फोकस पे। फोकस में क्या है गाइस, आपके पास एक्सटर्नल लेंस होगा तो आप फोकस अच्छे से एडजस्ट कर पाओगे, लेकिन हमारे पास यहाँ पर एक्सटर्नल लेंस नहीं है और उसकी ज़रूरत भी नहीं है भाई लाइट पेंटिंग फोटोग्राफी के अंदर। तो फोकस तो हमें लैंडस्केप ही रखना है, पूरा वाइड कर देना है जिससे थोड़ा भी ब्लर नहीं आना चाहिए। अब गाइस आते हैं ISO पे। ISO यहाँ पर 100 मिनिमम होता है, कोई कोई फ़ोन में 50 भी होता है, वन प्लस जैसे या फिर आईफोन, पता नहीं मुझे, मेरे पास तो अभी रेडमी है। सो मिनिमम 100 में रखता हूँ। अब गाइस यहाँ पर मेरे पास एक्सटर्नल लाइट है मॉडल के ऊपर मारने के लिए, इसलिए मैं मिनिमम 100 रखता हूँ। अगर मेरे पास लाइट नहीं होगी तो मैं यहाँ पर 200 या 300 तक जा सकता हूँ, लेकिन अगर मैं ज़्यादा ISO कर देता हूँ तो ग्रेन्स ज़्यादा आ जाएंगे और फ़ोटो बिगड़ जाएगी। तो हमें मिनिमम से मिनिमम जितना हो सके उतना मिनिमम रखना है ISO।
अब गाइस आते हैं एपेचर पे। एपेचर मोबाइल फ़ोन के प्रो मोड में नहीं होता तो हमें शटर स्पीड से ही काम चलानी पड़ती है। जितना आप शटर स्पीड रखोगे, मान लीजिए 10 सेकंड रखा, तो गाइस आपका कैमरा 10 सेकंड तक फोटो कैप्चर करेगा और 10 सेकंड के अंदर जितनी भी कैमरा के सामने मोमेंट होगी वो सारी कैप्चर कर लेगा और एक इमेज में कन्वर्ट करके आपको दे देगा। तो 10 सेकंड के अंदर आपको पूरा अंधेरे में पीछे लाइट पेंट कर लेनी है। लाइट पेंट करने के बाद 10 सेकंड के अंदर ही आपको मॉडल के फेस पे लाइट भी मार देनी है, जिससे आपका मॉडल भी क्लियर दिख जाए और पीछे जो लाइट पेंट करी है वो भी आ जाए। दोस्तों लाइट पेंटिंग फोटोग्राफी के लिए जो मैंने लाइट्स यूज करी, ये सारी लाइट का जुगाड़ मैंने घर पे ही किया है। दिवाली पे जो डेकोरेशन के लिए लाइट्स होती है, फिर टॉर्च लाइट हो गया, फिर फेरी लाइट हो गया, ये सारी चीज़ें आपको इलेक्ट्रिशियन की दुकान पे मिल जाएगी बहुत ही सस्ते प्राइस में। तो ये सारी लाइट तो आपको कहीं से भी मिल जाएगी, आप कैसे भी क्रिएटिविटी बना सकते हो, बल्ब का भी यूज़ कर सकते हो। तो गाइस स्टिक पे जो लाइट मैंने चिपकाई है, फिर ये सारी लाइट का जुगाड़ कहाँ से किया वो मैं वीडियो के एंड में बताऊँगा कि कैसे बनाया, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। दोस्तों लाइट पेंटिंग फोटोग्राफी इतनी भी हार्ड नहीं है जैसा कि आप सोच रहे होंगे, बहुत ही इजी है। अगर आप एक दो बार ट्राई कर लेते हो तो आपको भी मज़ा आने लगेगा फ़ोटोशूट करने का, क्योंकि गाइस इसमें लाइट ही घुमाने की होती है, पीछे लाइट में जो डिज़ाइनिंग होती है वही करना होता है। और डिज़ाइन अगर आपको आ गई ना तो आपको फोटोग्राफी काफ़ी बढ़िया लेवल में चली जाएगी। तो अभी हम लोग पेंट करेंगे, ब्रज भाई का वी लिखेंगे। चलो स्टार्ट। भौतिक भाई का वी लिख कर ये हमारे तीसरे मॉडल का धोरण में बनेला। तो अभी ये लाइट है और ये जेलेटिन में। रेडी चलो। जो लाइट पेंटिंग की डिज़ाइनिंग होती है वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि गाइस आपको एक बार सेटिंग आ जाती है तो लाइट पेंटिंग में जो डिज़ाइनिंग होती है उस पर ही ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। तो गाइस आप लाइट पेंटिंग फोटोग्राफी कोई भी जगह पे कर सकते हो, घर के अंदर भी कर सकते हो, सिर्फ अंधेरा कर देना है, और घर के छत पर भी कर सकते हो जैसे कि अभी हम लोग कर रहे हैं, छत पर ही कर रहे हैं क्योंकि यही जगह हमारी प्रैक्टिस की है। इस जगह पर ही ज़्यादातर वीडियो शूट करते रहते हैं हम लोग, चाहे वो रात हो या फिर दिन हो या फिर हम एडिटिंग भी यहीं पर करते हैं भाई। अभी मैं एक फ़ोन में एक एप्लीकेशन बताता हूँ, इसको डाउनलोड कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये है रेनबो, अभी इससे पेंट करेंगे। दोस्तों अगर आप इस वीडियो के यहाँ तक पहुँच गए हो ना तो मुझे पता है यार आपको ये वीडियो पसंद आ रही है। इस वीडियो में से कोई भी पार्ट आपको इंटरेस्टिंग लगता है ना तो वीडियो को ज़रूर से एक लाइक कर देना एंड उन सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो लोग मोबाइल फोटोग्राफी करते हैं एंड वीडियो एडिटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। दोस्तों लाइट पेंटिंग फोटोशूट के वक्त हमसे काफ़ी गलतियाँ हुई थी, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ ताकि आप गलतियाँ ना करो। सो जैसे कि आप बिहाइंड द सीन देख रहे हो, यहाँ पर कैमरामैन ने फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट मार दी, फिर मैंने लाइट पेंट किया, लाइट पेंट खत्म होने के बाद एक और बार यहाँ पर लाइट मारी। तो गाइस ये दो बार जो लाइट मारी है ना यही प्रॉब्लम है, एक बार अगर आप लाइट मार देते हो तो ऑब्जेक्ट
कैप्चर हो जाएगा कैमरा में और इमेज में अच्छे से आ जाएगा, लेकिन दूसरे बार मारोगे ना तो पहले जो ऑब्जेक्ट कैप्चर हुआ वो भी आएगा और दूसरे बार भी। अब गाइस इंसान खड़ा होगा तो इंसान थोड़ा बहुत तो हिलेगा ही, अगर सांस लेगा तो भी हिलेगा, तो ये प्रॉब्लम है गाइस। अगर 10 सेकंड के आप फ़ोटो खींच रहे हो तो 10 सेकंड में आप स्टेबल खड़े नहीं रह सकते। तो यहाँ पर लाइट पेंटिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होना चाहिए, अंधेरा होगा तभी लाइट कैप्चर होगी फ़ोटो के अंदर। सो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, यहाँ पर जो फ़ोटो है वो थोड़ी बहुत हिल गई है, उसका फेस हिल गया है, तो ये बराबर नहीं है। सो गाइस अब दूसरी बात ये है कि इस वीडियो को शूट करने के लिए हमें बिहाइंड द सीन्स ज़्यादा चाहिए थे। तो बिहाइंड द सीन के लिए रात को हम लोग शूट कर रहे हो तो रात में तो अच्छे से बिहाइंड द सीन आ नहीं सकते, तो इसके लिए हमने काफ़ी सारी लाइट्स का यूज़ किया था। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यहाँ पर जो कैमरामैन खड़ा है उसके नीचे एक लाइट रखिए, फिर इस जगह पर एक लाइट रखिए। तो गाइस ये सारी लाइट का भी इफेक्ट ऑब्जेक्ट पर पड़ रहा था एंड इससे भी हमें फ़ोटो में प्रॉब्लम्स आ रही थी, फ़ोटो बराबर आ नहीं रही थी और हम सोच रहे थे कि भाई फ़ोटो क्यों नहीं अच्छी आ रही। सो आई होप गाइस आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पर कितनी गलतियाँ हुई थी हमसे एंड फ़ोटो बराबर नहीं आई। इस प्रॉब्लम ये है कि मोबाइल फ़ोन से लाइट पेंटिंग फोटोग्राफी करते हैं तो उसको रात में ही करना पड़ता है, अगर आपके पास कैमरा है तो उसकी एपेचर वैल्यू आप इंक्रीज करके आप दिन में या फिर शाम को भी शूट कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो कि मैं एक और एपिसोड लाऊ लाइट पेंटिंग फोटोग्राफी के ऊपर कैमरा में, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताना, मैं एक नई वीडियो बना दूंगा जिसमें मोबाइल फोन एंड कैमरा दोनों की कंपैरिजन होगी, लाइट पेंटिंग फोटोग्राफी लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी होगी, तो जरूर से कमेंट करना गाइस, मैं आपका इंतजार करूंगा। दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूं कि मैंने जो लाइट पेंटिंग के लिए जो लाइट्स क्रिएट करी थी वो सारी चीजें मैं घर पे ही करी थी एंड आप भी अपने घर में सारी लाइट्स को लेके आके और काफी क्रिएटिव लाइट पेंटिंग फोटोग्राफी कर सकते हो। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो यहाँ पर ये सारी लाइट्स है, तो ये जो है ये एक लकड़ी है एंड ये है जो पोछा लगाते हैं ना घर में यही उसके ही डंडी है, तो ये डंडे को मैंने ले लिया एंड इसके ऊपर फेरी लाइट लगा दी। जो दिवाली पे हम लोग लाइट्स यूज़ करते हैं वो भी आप लगा सकते हो एंड फेरी लाइट जो फोटोग्राफी के लिए आती है वो भी आप लगा सकते हो। मेरे पास पड़ी थी, बहुत पुरानी, एक दो साल पुरानी है, तो इसी लाइट को मैंने डंडे पे लगा दिया, सेलो टेप से चिपका दिया एंड सेल से चालू कर दिया, तो कुछ इस टाइप की नज़र आने लगी। अब इससे लाइट पेंटिंग फोटोग्राफी करेंगे तो काफ़ी बढ़िया आएंगे फ़ोटो। सो दोस्तों अब ये जो आप सॉफ्ट बॉक्स देख रहे हो इसको भी मैंने घर पे ही बनाया है। ये कार्डबोर्ड मैंने ले लिया था, कार्डबोर्ड को कट कर दिया सीजर से एंड कट करने के बाद अंदर एल्यूमिनियम फॉइल लगा दिया। एल्यूमिनियम फॉइल का खर्चा हुआ था सिर्फ वो 50 रुपये हुआ था, मैं 50 रुपये का लेके आया था एल्यूमिनियम फॉइल। कार्डबोर्ड तो घर पे ही पड़ा था एंड सेलो टेप भी घर पे थी, तो सेलो टेप से मैंने चिपका दिया एल्यूमिनियम फॉइल एंड कुछ इस टाइप का शेप दे दिया। बीच में बल्ब डाल दिया, बल्ब भी घर के संडास में से निकाल दिया तो बल्ब तो आप कोई भी जगह से निकाल के लगा सकते हो। सो कुछ इस तरह से मैंने इसे क्रिएट किया सॉफ्ट बॉक्स एंड आगे बटर पेपर लगा दिया, जो 5 रुपये में आता है ना स्टेशनरी में से, वही बटर पेपर मैंने इसके चिपका दिया जिससे सॉफ्ट क्रिएट हो लाइट एंड मॉडल पे गिरे लाइट तो इतना ज़्यादा हार्श ना हो। एंड दोस्तों ये जो बल्ब था इसको तो मैंने वायर लंबा करके ही किया था, जैसे कि आप सीरीज़ को भी यूज़ कर सकते हो, आपकी जो दिवाली की सीरीज़ होती है ना उसको यूज़ कर सकते हो ऐसा वायर लंबा करके। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिज़ाइन का भी ट्यूटोरियल देंगे एंड सब कुछ होगा भाई नेक्स्ट एपिसोड में होगा, अभी तो जितना था आपको सिखा दिया, आपको बता दिया। तो बस यार थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए। आई होप गाइस आपको ये मोबाइल फोटोग्राफी लाइट पेंटिंग वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती तो इस वीडियो को एक लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे कर देना, क्योंकि दोस्तों हम लोग हमारे चैनल पे मोबाइल फोटोग्राफी, मोबाइल वीडियोग्राफी, टिप्स एंड ट्रिक्स, एडिटिंग ट्यूटोरियल के काफी सारे वीडियोस डालते रहते हैं। आई होप गाइस आपको इस वीडियो में से कुछ नया जानने को या फिर सीखने को मिला होगा। आप मुझे कमेंट में बता सकते हो आपको कौन सी वीडियो नेक्स्ट टॉपिक पे चाहिए, वो भी आप कमेंट कर सकते हो। इस वीडियो को अपने उन सारे दोस्तों के साथ शेयर करना जो लोग मोबाइल फोटोग्राफी वीडियोग्राफी में इंटरेस्ट रखते हैं। तो चलिए गाइस मैं आपको मिलता हूँ किसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।